यहाँ पे लोकल पब्लिक की सुरक्षा के लिए जरूरी भी था। उस टाइम में जब आंदोलन हुआ उस टाइम इसको जलाया गया था, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? ये जब से ये घटना हुई थी जी, तब से लोकल पब्लिक की ये डिमांड थी कि ये वापस किया जाए, जिससे कि लोकल लोगों का ये फायदा होता है जी। ये बात लोकल लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। उस वक्त किसी कारणवश कुछ ऐसा हुआ कि जो भी हुआ एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जी। बट पब्लिक का सेंटिमेंट हमेशा पुलिस के साथ ही था, क्योंकि पब्लिक हमेशा यही चाह रही है कि पुलिस के साथ काम करे, पुलिस पब्लिक के हेल्प करे, पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक को सर्व करने के लिए यहाँ की लोकल पब्लिक को ही सर्व करेगा ये पुलिस पोस्ट। तो इस डिमांड को ही नजर में रखते हुए वापस एक प्रयास किया गया है, और हम इस बार और आउटरीच करेंगे पब्लिक को। लोकल लोगों को ये हम कहना चाहते हैं कि वो हमारे पास और आए, हम उनके पास और जाएं, एक इस तरह का रिलेशन मेंटेन करें, इस तरह का रिलेशन डेवलप करें जो कि पिछले बार से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, और हमेशा यहाँ की पब्लिक को हेल्प करने के लिए ही, यहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए, यहाँ के लोगों को सर्व करने के लिए, उनके लिए ही यहाँ की पुलिस है, इसी के लिए यहाँ का ये चेक पोस्ट, पुलिस पोस्ट, नागरी पुलिस पोस्ट आज फिर से रिस्टार्ट किया जा रहा है जी। सराउंडिंग कितना एरिया को ये मतलब देखेगा? ये पोखरे एवं 3GP जो है, जिसमें 21 गांव है और लगभग 6000 से ज्यादा की आबादी है जी, उनको देखेगा ये, उनके लिए है ये। पोखरण जीपी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं थर्ड जीपी थर्ड जीपी बाकी ये पूरे थाने के जुरिसडिक्शन में आता है, सुखिया पोखरी थाने के जुरिसडिक्शन में आता है। बट स्पेसिफिकली यहाँ के लोकल लोगों को, जो कि अगर सुखिया पोखरी थाना जाएंगे तो टाइम लगता है, इसलिए उनके लोकल काम यहाँ हो जाए, इसके लिए नागरी पुलिस पोस्ट वापस बनाया जाता है। ठीक, थैंक यू।